तो फ्रेंड्स हिटलर हस्बैंड जी बना रहे हैं चाप, तो चलिए उनकी रेसिपी देख लेते हैं चाप की कि वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में चाप जो है वो हिटलर हस्बैंड जी बनाते हैं। ये इन्होंने चढ़ा दिया है सरसों का तेल जो कि पहले से ही पका हुआ है, और अगर आपका कच्चा तेल है तो आप उसको पका लीजिए। तो अब इसमें ये डीप फ्राई करेंगे चाप को। फ्रेंड्स ये रही इन्होंने रेडीमेड चाप ले लिया, अब इसको ये इसके अंदर करेंगे डीप फ्राई। इन्होंने ले लिया टमाटर जिसको ये करेंगे इसके अंदर ग्राइंड। टमाटर और प्याज को, प्याज ग्राइंड नहीं करूंगा, चॉप करके पकाऊंगा, वो दिखाऊंगा अभी। ले लिए इससे ये गरम मसाले, ये इलायची ले लिया, ये लौंग ले रहे हैं, काली मिर्च ले रहे हैं, तो ये सारे गरम मसाले ये इसके अंदर कर लेंगे ग्राइंड। फ्रेंड्स ये हो चुके डीप फ्राई थोड़ा डार्क कलर में ब्राउन में, और अब इसके हस्बैंड भी काटेंगे प्याज। तो फ्रेंड्स डीप फ्राई हो गई है। कुछ ये हमने साबुत पूरे पूरे पीस तल लिए और कुछ हम काट के तल रहे हैं, क्योंकि कोई स्टिक साबुत लेता है और कोई काट के पसंद करता है चाप को, तो ये भी अब हम कर लेंगे डीप फ्राई। तो फ्रेंड्स ये हो रही है चॉप प्याज, ये प्याज हो गई है चॉप, हो गई है डीप फ्राई। ये ऑयल इसमें डाली है ये प्याज। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी सौते कर दिया इन्होंने थोड़े से ऑयल में, सोते हर किसी को नहीं पता, थोड़ी लाल लाल कर दी है प्याज, और ये जाली वाइफ ने मोटी प्याज काट दी थी। प्लीज फ्रेंड्स आप बारीक प्याज काटना, ठीक है। प्याज हम कर चुके हैं, उसको हम निकाल देंगे एक प्लेट में, तो अब चलो आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने खाली कर लिया, अब इसमें हम ये ले लेंगे 20 ग्राम बटर। उन्होंने ये टमाटो प्यूरी ले लिया, यहाँ पे जो टमाटर पीसे थे वो डाल दिए इसके अंदर। फ्रेंड्स अब इन टमाटरों को अच्छे से हम पका लेंगे। अंदर हमने खड़े मसाले डाल के उसकी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है इसके अंदर, और ये अब इसको अच्छे से कर लेंगे हम। डाल रहे हैं मसाले, डाल दिए हल्दी। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और ये डाल दिया हमने पिसा हुआ धनिया, और ये डाल दिए कसूरी मेथी, और इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे नमक। हम डाल रहे हैं किचन किंग मसाला। सारे मसाले आपको अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है, जैसे कि आपका टेस्ट है। तो ये सब्जी बन रही है विदाउट गरम मसाला एंड विदाउट लाल मिर्च। अब इसको पकाएंगे। इसके डाल रहे हैं हम दो साबुत बड़ी इलायची, और दो से ढाई डाल रहे हैं हम ये तेज पत्ता। जो हम पानी डालेंगे उसको कर लेंगे बॉयल। बॉयल करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये पानी बॉयल किया हुआ। तो हमें वन टाइम ही डालना, दो बार नहीं डालना, तो इसके अंदर डाल देंगे बॉयल किया हुआ वाटर। अब इसके अंदर डाल देंगे हम भुने हुए प्याज, जो कि हमने प्याज भून के रखे हुए थे साइड में। अब इसको पकाना है 5 मिनट। तो फ्रेंड अब हम बॉयल आने के बाद इसके अंदर डाल देंगे सारी चाप। इसको डिप कर देंगे अच्छे से, जो ये सॉफ्ट हो जाए, और इसको फिर सिम पे करके करीब 10 मिनट इसको ये ढक के रखना है। सिम पे करके 10 मिनट इसको थोड़ा सा नेचुरल भाप से पकने देना। ये पक रहा है, और अब इसके अंदर डालेंगे हम मलाई। अगर आपके घर में मलाई है तो आप मलाई डाल सकते हैं, नहीं तो आप रेडीमेड क्रीम भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे घर में मलाई थी, तो हम इसको मलाई से कर रहे हैं पोर। तो फ्रेंड्स ये चाप हो चुकी है रेडी, तो ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो चलिए अब कर देते हैं गैस को बंद, और सर्व करते हैं इसको डिनर में।